अब आएगा मजा। मैं कहता हूँ जा चली जा, छोड़ दे पीछा मेरा, चली जा, चाहती क्यों नहीं, छोड़ दे, भूल जा मुझे, भूल जा, चली जा। आ रही है तो आने दे, तेरे के ले रही है। अबे क्या समझ रहा है तू, क्या कर रही है, तू क्या समझ रहा है, अरे खुशकी में चप्पू चला रहा है। अबे देख यार, अभी लड़कों के पीछे लड़कियां लगती है। हाँ, मेरे पीछे मक्खियां लगी पड़ी है। जान सही है, गंदगी पे मक्खियां ही बैठती हैं, कोई परियां नहीं आती। सल्लू, मैं कहता हूँ जुबान को लगाम दे, वरना खुदा कसम वो हाल करूंगा तेरा जो दुनिया देखेगी, नदियां बह जाएगी खून की नदियां। चल जा, जा का सामान ले गया। इसी बात पे घर क्यों छोड़ रहा है यार। अबे सामान नहीं समझा, वो गोली डाली, ये गोली डाली, वो सामान इंसान का बच्चा। तुम दिमाग खराब किया मेरा, मुझे इतना इजी लिया, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम लोग समझते हो ये मासूम है, भोला है। बेटा वो हाल करूंगा तेरा जो दुनिया देखेगी। मैं क्या करेगा है, क्या करेगा मैं, हाँ क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, अल्लाह कसम मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं ऐसे मत रो यार, ऐसे मत रो, क्यों मेरी हंसी निकल जाएगी। अबे यार दफा करो, इस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी तो क्या बैठे। चार दिन हो गए, चार दिन साबुन ने इसका बदन नहीं छुआ हुआ, पानी मचल रहा है कि इसके टीन पे बहे। अबे कुछ तो नहा लिया कर। कुछ अबे बहुत सारा नहाने का बोल, चार साबुन और आठ बाल्टियां लगेंगी सर के ऊपर इसके। अबे चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते नहा ले, साबुन इस्तेमाल कर ले, इन सब बातों से मुझे टेंशन होती है, सफाई मेरी चिड़ है चिड़। पागल के बच्चे, सब इधर बात को मैं क्यों नहीं नहा रहा, क्यों नहीं खर्चा कर रहा। अबे देखो शहर में क्या हो रहा है, साबुन शॉर्ट, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, आटे की शॉर्टिंग, चीनी की शॉर्टिंग, अगर सब चीजें मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो क्या होगा इस मुल्क का, मुझे बताओ। कितनी अच्छी बात करी है, इतनी अच्छी बात करी है तूने, तू यकीन कर जलसे में गोली खाएगा। अबे बिल्कुल सही कह रहा है, इस बात पे मैं तफा करूंगा, कल की बात है, मैं मालती इससे गुजर रहा था, जैसे ही मैंने रोड पे पैर रखा है मार्केट के, यहाँ से औरतें, यहाँ से बच्चे, यहाँ से मर्द। मैं समझ गया, तू सट्टे का नंबर दे रहा होगा। नहीं, तेरी जेब से एल्बम निकला होगा। एल्बम नहीं निकला, फिर इससे भी महंगी चीज निकली। क्या निकली? एक पाव चीनी। आस्था बहुत सल्लू, क्यों पारक के भी कान होते हैं। अबे हाँ भाई, जब इसके कान है तो पारक के नहीं हो सकते। अबे बातों में वक्त जाया करने वाले लोग, मैंने पिछली दफा भी कहा था मीठी ईद पे कि सीजन लगा लो, तुझे कहा था हलीम लगा, तुझे कहा था चूड़ियां लगा। अबे मैं कहता हूँ उसके बुबू दो लगा, मुझे क्या कहा था तूने? हलीम लगा। तो मैं हलीम लगाई, लोगों ने मारा मुझे, वो क्यों? मैं गली के कोने पे खड़ा हो गया, कटोरी में हलीम डाल के हर आने जाने वाले को उंगली से लगा रहा था, मार रहे थे मुझे। मारेंगे नहीं, मैं इसको मारूंगा। अबे इन सब काम के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसों की। अब तुम सोचो यार, मैं तो कहीं से भी पैसा कर लूंगा, साहिवाल जाऊंगा, तगड़े तगड़े बकरे लेके आऊंगा। तू तो बकरे लेकर आएगा ना? मैं देख बेटा वो बकरे बेचूंगा जो दुनिया देखेगी। कौन से? गली में जिसका बकरा बंधा होगा खोल के बेच दूंगा। हां तो देखिए भाई बातें। उई अबे वाह वाह वाह, अबे कितना प्यारा बकरा जा रहा है उस्ताद, पकड़ो। साहिल के बच्चे कुत्ता जा रहा है, वो भी तेरी तरह दुम कटा। अबे आप देखते हैं इसको, आ जाओ अबे जल्दी आओ। जासूसी के भी ढूंढा जा सकता था। वो मामा आपको तो पता है ना, मुझे बचपन से जासूसी करने का बहुत शौक है। बस एक दफा मौका मिल जाए मामा, फिर देखिएगा। जासूसी फिल्में देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मामा? क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? बे माय गॉड, मैं तो इस बकरे से तंग आ गई हूँ।
दिन रात बे बे करता रहता है बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह। ओके मम्मा मैं समझ गई, मुझे लगता है कि मेरा ये मोबाइल इस बकरे ने खा लिया है। तुम्हारा मोबाइल फोन घास था जो बकरा खा जाएगा? ओ मम्मा कितना मजाक करती हो। तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है। कैसे? अगर तुम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो तो। वो कैसे मम्मा? वो ऐसे कि किसी भी मोबाइल फोन से अपने मोबाइल पे मिस डाल दो, मोबाइल खुद बोल पड़ेगा मैं यहाँ हूँ। ओ मम्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जाहिर है तुम कैसे सोच सकती हो, मुझे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी माँ जो हूँ और मैं आपकी बेटी।